The next question we have with us, that is question number 26. Kya hai? In India, the organization responsible for assessing the safety of reproduction for introducing genetically modified organism for public use is. Means aapko in given options mein se is aise institute ka naam batana hai jo responsible hai for the introduction of genetically modified organisms kahan par public use ke liye. तो कौन इसको सेफ्टी गार्ड करता है? तो डायरेक्टली द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फोर्थ, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रिसल कमिटी, दैट इज GEAC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ GMOs. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिन. यहाँ पे आपको क्या बताना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ फाइंड आउट करना है, ये है हम पढ़ रहे हैं इट्स इन रिडक्शनल टाइप ऑफ डिविजन, दैट इज मियोसिस. मियोसिस के अंदर पहला स्टेज दैट इज प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फेस्ट के अंदर कुछ जो सीरीज होती है स्टेजेस की, दैट इज फर्स्ट इज एलेप्टोटी, देन इट इज जाइगोटी, देन पेकाइटी, देन डाइकेनेसिस, एंड द लास्ट वन इज डिप्लोटी. ये जो स्टेजेस है इनमें से आपसे पूछा गया है होमोलोगस क्रोमोसोम. व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम? द सेम क्रोमोसोम्स आपस में जो अटैच्ड है वो सेपरेट कब होते हैं? स्टार्टिंग स्टेप पूछिए, एंडिंग स्टेप नहीं पूछिए, इस बात को आपको नोट करना है. तो स्टार्टिंग स्टेज विल बी डिप्लोटीन. डिप्लोटीन में स्टार्ट होता है एंड इट कंप्लीट, इट्स इनिशिएट इन डिप्लोटीन, इट कंप्लीट्स इन डाइकाइनेसिस. सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इट्स आस्क्ड अबाउट बिगनिंग, तो आंसर इज डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. इट्स आस्क्ड अबाउट, दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ये क्वेश्चन क्या है? इट्स आस्क्ड अबाउट द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, जो गोल्गी बॉडीज है, अपैरेटस है, कॉम्प्लेक्स है, वो किस में पार्टिसिपेट करता है? हमें पता है वेर इज गोल्गी फाउंड. गोल्गी इज फाउंड आफ्टर ईआर, इट इज अटैच टू ईआर, ईआर के बाद है. ईआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स कौन बनाता है? ईआर पे मौजूदा राइबोसोम. राइबोसोम इज द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, वो ट्रांसपोर्ट किसे करता है? ईआर को. दैट ईआर इज नोन बाय द नेम आरईआर, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वो ट्रांसफर किसे करता है आगे? प्रोटीन को, गोल्गी अपैरेटस को, गोल्गी बॉडीज को, जहां पर से वो उस प्रोटीन को मॉडिफाई करने के बाद उसे सिक्रीट करता है. अगर प्रोटीन अच्छी है तो इट विल बी फॉर्मिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इम्पोर्टेंट फंक्शन करेगी. अगर प्रोटीन में कोई प्रॉब्लम है, कोई सही से स्ट्रैंड नहीं फॉर्म हुआ है, सीक्वेंस फॉर्म नहीं हुआ है, दैट प्रोटीन विल बी गोइंग टू द सोसाइटल बैग, दैट इज लाइसोसोम. तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स. सिक्रीशन का काम परफॉर्म करता है गोल्गी, तो इट विल बी फॉर्मिंग ऑल दोज वेसिकल्स विच विल बी एज इन कंसिडर्ड एज सिक्रीटरी वेसिकल. क्या कैरी करेंगे? दे विल बी कैरिंग द मटीरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन सेल. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विद अस इज क्वेश्चन नंबर 29. क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय. यहाँ पे पूछा गया है कि स्टोमेटा है वो किन से अफेक्ट नहीं होता. मूवमेंट मीन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एंड वी विल बी नोइंग स्टोमेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस. हाउ? जो रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड का इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ O2, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्टोमेटा. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट नेसेसरी इवल ट्रांसपीरेशन. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको कुछ दिया हुआ है कि इनसे अफेक्ट नहीं होता. ऑफ कोर्स फॉर श्योर जब CO2 चाहिए तो CO2 का कंसंट्रेशन अफेक्ट करेगा. द नेक्स्ट इज टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वाटर का लॉस ज़्यादा होगा एंड स्टोमेटा विल क्लोज. तो ये भी इफेक्ट करेगा लाइट, एंड लाइट एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो लाइट भी इफेक्ट करेगी. जो इफेक्ट नहीं करेगा वो है मूवमेंट ऑफ O2 आउटसाइड, क्योंकि प्लांट्स के लिए O2 इज एन वेस्ट प्रोडक्ट, वो उसे बाहर रिलीज करेंगे. तो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी फर्स्ट, O2 कंसंट्रेशन विल नॉट अफेक्ट द स्टोमेटल मूवमेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विद अस क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर. यहाँ पे पूछा गया है कि जो ग्रासेस हैं उनके अंदर स्टोमेटा का टाइप क्या होता है. तो आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट विल बी थर्ड, डम्बल शेप का. आपने पढ़ा होगा कि जो ग्रासेस हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं होता है, उनमें जो शेप होता है
किसका शेप? स्टोमेटा का शेप इज ऑफ लाइक अ डम्बल. सो द शेप ऑफ द स्टोमेटा इन ग्रासेस विल बी डम्बल शेप. The next question we have, that is question number 31st, that is the two functional group characteristics of sugar is. What is sugar? The saccharides, the monosaccharide, oligosaccharide, we can say disaccharides also in oligosaccharide, 2 to 10. And then more than 10 will be a polysaccharide. So, pucha gaya is question mein, ki basically, jo functional group hai, sugar mein kaun se hote hai? So, answer of the question will be 4, that is carbonyl as well as hydroxyl group. That is जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है इसमें इसके साथ क्या होता है हमारे पास एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है. तो बेसिकली शुगर के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं? अ कार्बोनाइल एंड एन हाइड्रोक्साइल ग्रुप. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज क्वेश्चन नंबर 32. मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ आपके लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. एज वी नो वॉट इज फोटोसिंथेसिस, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ केमिकल प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. और इसीलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, सेल्फ फूड मेकर्स. तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस को हमने दो स्टेप्स में तोड़ा हुआ होता है. वी आर डिवाइडेड इन टू टू स्टेप्स, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन में पहले हम एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं किसे? वो एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को, फोटोन्स को. कौन एब्जॉर्ब करता है? द पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल, एंड देन कन्वर्टिंग दैट light energy into chemical energy. These both steps for the formation of energy, that is in form of ATP. तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है कि light reaction के product क्या होते हैं. तो इस question का answer है, हमें पता है यहाँ पर energy currency form होगी, that is ATP, जिसे use किया जाएगा आगे dark reaction में for the assimilation of CO2. साथ ही में यहाँ पर as a byproduct release होगा oxygen, which is very important for the animals here. And the last one will be NADPH2. यहाँ पे NADH will be reducing to the NADPH2. So the answer of the question will be जो produce नहीं होता है, that will be, the answer will be second. तो answer क्या होगा इस question का? Second, NADH. The next question is 33, that is which of the following is true for nucleolus? First of all हमें पता होना चाहिए nucleolus क्या है. Nucleolus is the factory of ribosome and ribosome is the factory of proteins. So ribosome ka production jo hota hai wo nucleus ke andar present ek structure se hai, that is nucleolus. So nucleolus is responsible for the formation of ribosome, that is ribosomal RNA which will be forming ribosome. So is question ka answer hai, it will be 4. It's a site for active ribosomal RNA synthesis. The next question is question number 34th, that is which among of the following is not a prokaryote. Prokaryotes kya hain? Prokaryotes ko hum study karte hain. Prokaryotes which are having a primitive type of karyon, and karyon means nucleus. Jinme primitive nucleus hai unhe prokaryotes kaha jata hai. Yahan pe aapse pucha gaya hai ki prokaryote kaun sa hai. Hum prokaryotes ko monera mein padhte hain, all the bacteria there. To bacteria are nostrogiza bacteria, mycobacterium, oscillatoria, they all are prokaryotes. While that is sarcomyces, it's a fungi here. Sarcomyces kya hai? It's a fungi here. Specifically it's a true yeast. So it's in nature, it's eukaryotic, it's multicellular, it's unicellular yeast only. So here fungi are multicellular, but exception is here yeast. So yahan par answer kya hai prokaryotes ka? Ye ek eukaryote hai. Fungi is an eukaryote. So yahan par answer hai third, that is sarcomyces. The next question is question number 35th. What is the question? Winged pollen grains are present in. Ek question mein pucha hai ki winged pollen grains kis mein hote hain. तो विंग पोलन ग्रेन्स क्या है? यहाँ पर हम पता कर सकते हैं, वे आर गिवन विद मैंगो, साइकस, मस्टर्ड एंड पाइनस. पीनस बिलोंगिंग दैट इज इन जीनस. तो यहाँ पर जो पीनस है, दे आर एक्चुअली हैविंग अमंग द ऑल ऑफ दीज, पीनस आर दोज विच विल बी हैविंग अ विंग्ड पोलन ग्रेन इन देम. तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी फोर्थ, दैट इज पाइनस.